हेलो दोस्तों, मम्मा ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ जो मार्केट से गले आते हैं वर्क वाले, उसे सिलाई मशीन से बोर्ड फिनिशिंग के साथ कैसे लगाएं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमिनोबिटिक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो लगाने वाले हैं पैंच, उस पैंच को मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपका इस तरीके से होगा और ये यहाँ पे हमारे मोती हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे जो कि मोती भी आपके ना, मतलब मोती पे आपकी सुई भी ना लगे और फिनिशिंग के साथ ही आपका पैंच लग जाए। और ये आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने फ्रंट को इसे हटाएंगे नहीं, इसको यहीं रखे रहने लेंगे। आप अपने पैंच को इस तरीके से रख लेंगे। तो ये नॉर्मल आपका भी यहाँ पर रखा हुआ है। अभी आपको नापनी है इसकी ब्रॉडनेस, तो इस तरीके से आपको ब्रॉडनेस नापनी है। तो इसकी ब्रॉडनेस दोस्तों जो आ रही है 6.5 इंच। देखिए रखने के बाद ये 6.5 इंच आ रही है, यानी कि जब हम डबल में करेंगे तो ये हो जाएगा 3.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से 3.25 इंच हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका गले का डीप है 7 इंच, तो ये देखिए ओके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको और छोटा पहनना है, जैसे 6 इंच पहनना है तो 6.5 है, तो आप चाहे तो यहाँ से थोड़ा कटिंग भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से कितना डीप गला चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा ये 7.5 इंच है, तो हमें इसे नापना जरूरी नहीं है लेंथ को, लेंथ हमें नापना अपने गले के लिए, मेन हमें ये नापना है। जैसे 6.5 पे आ रहा है, अब दोस्तों 6.5 पे ही आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसका आधा 3.25 का एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और इसको यहाँ पर कर लेंगे कट इस तरीके से। और इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये बुकरम लिए मैंने, इसकी चौड़ाई 10 इंच है। उसके बाद आप इसे क्रीज बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करके। अब दोस्तों, जैसे कि आपका ये गला है, मान लीजिए ये तो आपका राउंड गला है, आराम से आपका बन जाएगा। चाहे गले की सेप सीवी ठाट हो, 5 सेप हो, कोई भी हो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आप इसे इस तरीके से डबल में मिलाना है। ठीक है, और मिलाने के बाद आप इसे ऐसे रखें। सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे यहाँ, क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस 6.5 इंच थी। तो देखिए बुकरम पर यहाँ पर निशान लगाया हमने, और यहाँ पे देखिए 3.25 इंच का निशान, यहाँ भी 3.25 इंच का निशान। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से इंचीटिव की मदद से सीधा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों, देखिए डबल में ये आप ले लेंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे निशान के हिसाब से मिलाएंगे। और ये देखिए आपका पैंच का ये हिस्सा बुकरम से ऐसे मिल के आए, और मिल के आने के बाद और आप देखें यहाँ पे इस तरीके से ही आएगा ब्रॉडनेस के हिसाब से। ठीक है, आपका ब्रॉड। अब आपको क्या करना है, आप चाहे चौक या पेन की मदद से इस तरीके से निशान लगाएंगे, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ये निशान लग गया। उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है गले की, तो ये देखिए हमने ये लेंथ का भी निशान ले लिया। उसके बाद दोस्तों, आप इसे करेंगे कटिंग। तो ये देखिए हमने ये गले को यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए सेंटर है आपका, तो आप अपने बुकरम पे इसे इस तरीके से रखें, और देखिए ये आपका बिल्कुल जो है इक्वल आपका बराबर से कटिंग हो चुका है। ठीक है, हल्का फुल्का ये आपका आएगा, क्योंकि ये जो आपका गला होता है ये भी पूरा अच्छी तरह नहीं बैठा होता, लेकिन जब आप लगाएंगे तो आप इसे इस तरीके से आराम से बिठाते चले हैं। तो देखिए गला बिल्कुल इक्वल बैठ गया। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बुकरम में बता दिया कि ये किस तरीके से बुकरम में दोस्तों सेट होगा। तो चलिए अब हम इसे हटा देते हैं, हम बुकरम का नहीं बनाएंगे, मैंने सिर्फ आपको कटिंग करने का तरीका बताया। जैसे मान लो 5 सेप हो या 20 सेप का आपका ये पैच वर्क अगर आप लगाना चाहते हैं बाजार मार्केट से लेके, तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपका ये गोल गला होगा, ध्यान रखना गोल गला आपका होगा, तो आप कपड़े में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखना आपको कि आपका जो पैच वर्क है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में हो, ऐसा ना हो कि जैसे मान लो नेट का हो जो हल्कापन हो उसके अंदर, मतलब मजबूती ना हो। ठीक है, अगर हल्का मजबूत वाला है तो आपको बुकरम लगानी पड़ेगी, और अगर आपके पैच में अच्छी मजबूती है तो देखिए आप इसे किस तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका बहुत इजी बताने जा रहा हूँ मैं आपको, गोल नेक के हिसाब से। ठीक है, ये गोल नेक में काम करेगा। तो आप इसे पहले डबल कर लें, और डबल करने के बाद अपने कट से देखिए ये ब्रॉड है, इस कट से आप इसे इस तरीके से रख लेंगे। और यहाँ से देखिए सूट का बिल्कुल गैपिंग जो है इस तरीके से मिलकर जब आएगी, तो आप यहाँ पर जो है निशान भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसे इस तरीके से कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर आप एक सेंटर में हल्का सा कट लगा लें, जिससे आपको मालूम रहेगा ये सेंटर है। और गले के बीच में भी आप इसे बराबर रखने के बाद
यहाँ पर एक निशान लगा लें चोक का, जिससे आपको पता रहेगा ये आपका सेंटर है। ये देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से पैंच को लगाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा निशान है सेंटर का और ये हमने गला कटिंग करा था आपका। अब हम इसे बुकरम में नहीं, हम इसे आपको बिना बुकरम के बता रहे हैं कि आप इसे किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे इस तरीके से सीधा करें और अपने पैच को इस तरीके से रख लें पहले। तो देखिए यहाँ पर आपने इसे रख लिया तो आपको पता चल गया कि इस तरीके से लगेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए इस तरफ से ध्यान रखना है आपको, ये पैच उठाना है। पैच उठाने के बाद ये वाले हिस्से को आप कर देंगे उल्टा, ठीक है, ये आप इसे उल्टा कर देंगे इस तरफ से। और ये पैच जो उठाया था आपने, आप यहाँ पर जितना आपने मार्जिन छोड़ा था, यानी कि मैं निशान लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये आपने एक पैर का मार्जिन छोड़ा था, तो एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इस तरीके से आपको लेना है दबाव और इस पर लगानी है सिलाई। तो देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे ही आपका गला आएगा बिल्कुल आपको इसी तरीके से ऐसे रखते हुए एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आपको ये घुमाते चले जाना है। और ये वाला जो आपका निशान है सेंटर का, ये आपके इस सेंटर वाले कट से इस तरीके से आपका मिल के आएगा, ठीक है। तो अगर ये आपका हल्का सा आउट हुआ, मान लीजिए इतना आउट हो गया या इतना आउट हो गया, तो आप इस गले को खोलेंगे फिर दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सेंटर में मिल के आना चाहिए, तभी आपका गला बैठेगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम जो है पूरे गले में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये निशान हमारा कट से मिल के आ रहा है, तो आप इसे देखिए इसी तरीके से बिल्कुल सेम आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो दोस्तों ये देखिए हमने एक पैर के मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल ये आपका गला बन गया। अब आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से करके, ये तो आपका कॉटन है, ठीक है, कोई भी अगर वैसे कपड़े पे लगाएं आप, तो आप इस पर हल्का सा नाखून लगा लें, जिससे कि आपका ये जो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी जो पैच की किनारी है चुभने वाली है, यानी कि मान लो ऐसी है कि उसमें चुभेगी पहनने के बाद शरीर से, तो आप इस तरीके से ना लगाएं, आप बुकरम पलटने के बाद गले को लगाएं। ये होता है, ये आपका जल्दी वाला काम होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम जरूर लगा लें, लेकिन ऐसा बनाएं कि आप जब पहने तो वो चुभे नहीं किसी के, या किसी कस्टमर का आप बना के दें तो उसको तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ की। तो देखिए दोस्तों ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लगाया जाता है, लगेगा सेम ऐसे ही, सिर्फ आपको उसमें बुकरम का गला पलटना होगा। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर नाखून लगा लिया, तो ये आपका बैठ चुका है। अब इसे हम सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद अब इस पे देखिए हमने किनारे पे एक सिलाई चला ली थी, अब हम इसके एक यहाँ पर सिलाई चलाएंगे पूरे गले पे राउंड पे। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, आप अपना सेंटर इस तरीके से मिलाएंगे, क्रीज देख रहे हैं आप, आपको अपना फूल इस तरीके से सेंटर में रखना है, फिर एक सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि आपका ये वाला पैच यहीं कहीं रुक जाए और सेंटर आपका मिल के आ जाए। तो चलिए इस पर हल्की सी सिलाई लगा लेते हैं, जो कि हमें बाद में खोलनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे कच्चा कर लिया, अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा इतना दबाव तो कंधी में चले जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, बल्कि पूरी लगानी होती, लेकिन हम यहाँ पर यहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से रखें और हल्की हल्की सिलाई आपको लगानी है, और देखिए किनारे पे स्टोन भी है, तो आप हाथ की मदद से इस तरीके से एक एक टाँका जो है उठाएंगे, यानी कि फुल मशीन नहीं चलानी है आपको, हल्का हल्का इस तरीके से टाँका उठाएं और बिल्कुल किनारे पे स्टोन के बराबर से। और ये वाला जो हिस्सा है, तो दोस्तों घुटना है नीचे, घुटने से मैंने देखिए हल्का सा बूट उठा रखा है, पूरा मत उठाओ वरना टाँका नहीं आएगा, इतना उठाना है आपको कि ये आपका बिल्कुल हल्का सा उठा भी रहे आराम से, यानी स्टोन में अड़े नहीं बूट, और आपका इस तरीके से सिलाई लगती रहेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये, तो देखिए आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है, हल्का सा बूट उठा के रखें और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल आराम से, और जैसे जैसे सेफ आ रही बिल्कुल इसी की तरफ से आप इसे घुमा देंगे पूरा, ठीक है, इसको आप यहाँ तक सेंटर तक ला के पहले पक्का कर लें। तो ये देखिए हमने यहाँ से जो पूरा अच्छी तरह गोलाई में घुमाते हुए यहाँ पर ला के जो सिलाई ख़त्म कर दी। तो आप यहाँ से पूरा एक बार में ना ले जाएं, इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप कपड़े में जो झोल पड़ रही है, ये दिक्कत आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपका एक तरफ का फ्रेश बैठ जाएगा बिल्कुल ओके, तो आप इसे दूसरी तरफ से बिल्कुल इस तरीके से पकड़ेंगे, और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सेम आपको हल्की मशीन चलानी है, हाथ हल्का सा बूट उठा के हाथों की मदद से आपको घुमाते चले आना है, और थोड़ा थोड़ी दूरी पर, जैसे मान लो आपको ये नहीं कि आपको यहाँ पकड़ना है, आपको यहाँ पर हल्का सा कपड़ा ऐसे लेके
एक फूल को जितनी दूर गैपिंग आप सेट कर पाओ अपने हाथ से, आपको उसी हिसाब से उतना पकड़ना है, वो गोलाई में घुमा देना है। तो चलिए इसी तरीके से हम सेंटर तक लाके ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी कैसी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका इस तरीके से आपका लग जाता है फिनिशिंग के साथ। मैं आपको इसकी बैक साइड से भी दिखाता हूँ। ये देखिए बैक साइड से ये आपके इस तरीके से सिलाई आ जाएगी, जो कि बहुत ही मजबूती से आपका पैच यहीं के यहीं जम जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर सिलाई लगाने के हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। अगर मान लो बीच में एक लेयर और होती किसी मोती की, तो आप एक सिलाई उस पर और लगा लें, जिससे कि आपकी जो पैच होगा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगा सकते हैं गले का कोई भी पैच, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई और शेप होती है गले की, तो आप बुकरम पे कटिंग करके उसे रख के बहुत आसानी से बना के लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।